और जो हम इस अपने कटे हुए पर ये एल्फी डाल दें। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर जो मेरे पास ये चोट लग रही है और आज यहाँ पर मेरे पास ये एल्फी है। दोस्तों इस एल्फी का यूज ज़्यादातर चिपकाने में किया जाता है, और जो हम इसे इस एल्फी को अपने हाथ पर डालें और हम इसे दोनों को चिपका दें तो ये काफ़ी जोरों से चिपक जाएगी और इसे छुटाना भी काफ़ी मुश्किल होता है दोस्तों। और जो क्या होगा, और जो हम इस अपने इस कटे हुए पर दोस्तों इस एल्फी को डालें, क्या ये एल्फी हमारे इस खून को, बहते हुए खून को रोक सकती है या फिर नहीं दोस्तों, इसके अंदर क्या होने वाला है? क्योंकि जो एल्फी होती है ना, जो जैसे ये कपड़े पर डालते हैं तो हम जैसे एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें काफ़ी तेज़ का सा धुआं सा उठता है, और जो अब हम इसमें कटे हुए पर डालेंगे दोस्तों क्या हमारे चीज़ें लगती हैं, क्या होने वाला है, जो कि जो भी होने वाला है वो आपके सामने होने वाला है। दोस्तों हम सबसे पहले आपको अपना ये खून दिखा देते हैं जो कि ये हमारा चोट लगी। दोस्तों हम कुछ काम कर रहे थे तो हमने सोचा क्यों ना अब हम इसके साथ एक एक्सपेरिमेंट किया जाए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये रहा बिल्कुल कट रहा हुआ है दोस्तों यहाँ पर, जो कि मैं कील ठोक रहा था तो उसकी वजह से देखिए यहाँ पर देखो खून वापसी निकलना चालू हो चुका है, आप देख सकते हो। तो हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर इस एल्फी को हमें इसके ऊपर डालना है। देखिए आप देख लीजिए बिल्कुल एकदम ओरिजिनल, क्या ये खून हमारा रुकता है, और फिर हम इसे ज़ोर से भींचने वाले हैं और क्या ये खून रुकता है या फिर नहीं। कि हैं दोस्तों इसे जो एल्फी है, हमने इसे खा के भी देखा है और हमने इसका टेस्ट भी लिया है, मगर आज हम सबसे अलग हटके करने वाले हैं जो कि आज तक यूट्यूब पर किसी ने नहीं किया दोस्तों। आज हम इस कटे हुए पर डालने वाले हैं और सबसे पहले हम आपको लाइव प्रूफ दिखा देते हैं, जब हाथ पे डालते हैं तो उस पर कैसा महसूस होता है, इसे छुटाना कितना भारी होता है। तो चलिए यहाँ से देखिए, ये बिल्कुल एकदम सील पैक है और हम अब हम इसे तोड़ लेते हैं दोस्तों। यहाँ से हमने इसे तोड़ लिया और थोड़ी सी हम आपको यहाँ पर डाल के दिखा देते हैं। देखिए दोस्तों ये कैसे खतरनाक तरीके से चिपकती है, देखिए यहाँ पर एक मिनटों में ही, मतलब मिनटों में खेल खत्म है दोस्तों। देखिए ए दोस्तों कितना मुश्किल हो रहा है, देखिए इसे छुटाना, आप खाल देख रहे हो, देखिए हमारी खाल खींचनी चालू हो चुकी है। देखिए यहाँ से जो ना दोस्तों, जैसे इसमें दूसरे हाथ का लगाना यूज़ करना पड़ रहा है क्योंकि ये काफ़ी खतरनाक है। तो चलिए सबसे पहले हम अपने इस खून खून पे डालते हैं और फिर देखते हैं क्या क्या खून निकलता है या नहीं, इसे ज़ोर से भींच के देखेंगे। दोस्तों हमने इसे बिल्कुल साफ़ कर लिया है यहाँ पर देखिए, और जो एल्फी है हमें थोड़ी सी पहले कोने पर डाल के देखनी है कि इसमें हमें कोई नुकसान तो नहीं होगा। दोस्तों यहाँ पर हम थोड़ी थोड़ी सी डाल लेते हैं इधर की साइड कोने पर और देखते हैं कि, तो इसमें हमें कुछ ज़्यादा महसूस तो नहीं हो रहा, हल्की सी जैसे चीज़ें होती है ना, कुछ इस टाइप की से लग रही है जैसे किसी ने मिर्ची लगा दी हो। तो अभी इसे थोड़ी सी फैला लेते हैं दोस्तों, अब इसमें तो हमें कुछ नहीं लग रहा, तो इस मारे हम इस पे सारे पे डाल लेते हैं तो, और फिर देखेंगे बीच के क्या ये हमारा खून को रोक पाएगी या नहीं। तो इसमें कुछ टाइम लगेगा क्योंकि ये खुली है और जो हम हाथ पे गिरते हैं तो ये एकदम चिपक जाती है, मगर इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा दोस्तों। और ये देखिए हमारी सारी एल्फी यहाँ पर हम इसमें ही ख़त्म कर देते हैं और फिर इसे भींच के देखेंगे क्या इसके अंदर खून निकलता है या फिर नहीं। तो दोस्तों प्लीज़ यार आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करते हैं, आप ऐसा घर पर बिल्कुल ट्राई मत करना, क्योंकि ये एल्फी होती है ना दोस्तों, ये बहुत ही खतरनाक होती है, और जो ये कहीं भी गिर जाती है ना वही दोस्तों ये जाम कर देती है। तो प्लीज़ यार आप ऐसा बिल्कुल मत ट्राई करना, तो बस सिर्फ आप वीडियो में बने रहना और देखना लास्ट तक कि ये खून रुकता है या फिर नहीं। ये अच्छी तरीके से सूख चुकी है और देखिए इसने यहाँ पर निशान भी छोड़ दिया दोस्तों, ये रहा जो एल्फी का निशान है। और अब हम इसे भेजने की कोशिश करते हैं और देखते हैं क्या इसके अंदर से ब्लड निकलने वाला है या फिर नहीं। तो दोस्तों क्या आपको क्या लगता है, इसके अंदर से ब्लड निकलेगा या फिर नहीं जो कि एल्फी डालने पर, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों, इतना तो आप कर ही सकते हो। चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले इसे ज़ोरों से भींचने की कोशिश करते हैं दोस्तों, देखिए हम कितनी ज़ोर से भींचेंगे इसे, और यहाँ पर देखिए हम कितनी ज़ोर ज़ोर से, जो हमने उससे पहले भी नहीं भींचा था। तो आप देख सकते हो यहाँ पर खून बिल्कुल भी नहीं निकल रहा है, तो देखिए यहाँ पर खून बिल्कुल भी नहीं निकल रहा है, जो कि हमारी एल्फी एकदम ये अंदर जो खून है ना दोस्तों, हमने कुछ इसे इस प्रकार भींचा, देखिए खून जो ना अंदर ही जम चुका है, यानी बाहर नहीं आ रहा है, जो एल्फी डालने की वजह से हुआ है। तो आप सोच सकते हो, तो प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।